अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज एंड एनालिसिस। ये जिम्मी इलेक्शंस जो हो गए हैं 20 लोगों के, इसने तो पाकिस्तान के हर हलके में दम मचा दिया है। कहीं से कोई बताता है कि जी ये 10% 30 दिन के लिए ट्रेन की टिकटें कम है, जहाज की टिकटें कम है, लेकिन 30 दिन के लिए। फिर उसके बाद कई और बातें आती हैं और राना सनाउल्ला उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ये जो इमरान टाइगर्स है कि भाई अगर तुम कानून के दायरे में रहोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। रात को खत्म हो गया 12 बजे के बाद आपका जो कैनवसिंग है, लेकिन अभी भी जो गंडापुर साहब है, अमीन गंडापुर और मकबूल गुजर, उनको मना किया है। अब क्यों मना किया है इलेक्शंस के लिए, इन्होंने कोई जुर्म किया है नहीं किया है, इस पर बड़ी डिबेट हुई है। और पर्टिकुलरली जो लोग हैं यहाँ वो कहते हैं कि क्यों इन्होंने कोई क्राइम कर दी है, ये आप किस किस्म के इलेक्शन करा रहे हैं। खैर डिबेट है, हर एक का अपना व्यू पॉइंट है। और एज ऑलवेज हमारे पास बुखारी साहब, सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद एंड जावेद इकबाल मौजूद हैं। जावेद हमेशा कहते हैं इनको टाइम हम पूरा नहीं देते, लेकिन देंगे जितना मर्जी चाहें, लेकिन दायरे के अंदर। बुखारी साहब ये मुझे बताएं, ये इलेक्शंस की हाइप तो शुरू हो गई है और कल बताया जा रहा है कि शायद कोई प्रॉब्लम्स आए। बहुत शुक्रिया आपका पीजे। यकीनी तौर पे ये 20 हलकों के अंदर जो इंतखाब हो रहा है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पूरे पंजाब में हो रहा है, और यकीनन इसके बारे में दोनों जमातें जो हैं उन्होंने बेपनाह जलसे, बड़े कामयाब जलसे किए हैं दोनों अतराफ ने। इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन की हाइप को ज़रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया है, लेकिन मरियम नवाज़ के जलसे भी किसी सूरत जो है उनको नाकाम करार नहीं दिया जा सकता, वो टक्कर के जलसे आप कह सकते हैं उनको। अब जो है सेंसिटिविटीज़ के पोलिंग डे पे क्या होना है, राणा सनाउल्ला की जो गुफ्तगू है उसमें मैं एक पहलू ज़रा उजागर करना चाहता हूँ, वो ये कि उन्होंने 25 मई को जो सुनामी आ रहा था आवाम का उसको रोकने की तदाबीर की थी, और यकीनी तौर पे वो उसमें उस हद तक कामयाब थे जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोलने का हुक्म नहीं दिया, उन्होंने किसी को अटक का पुल क्रॉस करने नहीं दिया। और फिर बिलाखिर जब उस इजाज़त के बाद वो रेड जोन में पहुँचे तो क्या हुआ उनके साथ, वो सबके सामने है। वही बात दोहरा रहे हैं कि पंजाब के इलेक्शन में अगर सब लोग कानून के दायरे के अंदर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन टाइगर्स हों या कोई भी हो उनको हल्ला गुल्ला करने और इलेक्शन के माहौल को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें कोई पार्टीजन अप्रोच नहीं है, ये सेंसेबल अप्रोच है कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसको लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाना है और ये उनकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये कि ये सिलेक्शन की नौइयत ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ है। ये सारी वो सीटें हैं जिसके ऊपर पहले पीटीआई के लोग कामयाब हुए थे, और पीटीआई का जो वोट बैंक है उन्होंने बकौल खुद पीटीआई के उन्होंने चुना था, मगर हकायक थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इसमें से 10 के करीब लोग वो हैं जो आज़ाद सीटों पर जीते थे और उनका अपना वोट बैंक था। दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज़ कंटेस्ट भी कर रही थी और वो तीसरी जगह खड़े होकर इंतखाब जीते, मतलब ये हुआ कि उनका अपना वोट बैंक भी है। और अब उसके ऊपर एक छाप लग गई है कि वो कैंडिडेट जो है उसको ओन कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। तो जो ग्रास रूट लेवल पर इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं या उसको देखते हैं या इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनका ख्याल ये है कि ये एक तरह से डबल एज हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है ये तो पोलिंग डे के दिन पता लगेगा, लेकिन प्रोजेक्शन ये है कि चूँकि उनका अपना वोट बैंक भी है, उसमें PMLN का भी होगा, और पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है कि पंजाब में हम नून लीग के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से ये कंटेस्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PTI जलसों की सूरत में तो बड़े ज़बरदस्त तैयारी के साथ आ रही है, लेकिन जो उनका रोना धोना शायद सही लफ्ज़ नहीं होगा, लेकिन जो चीखो पुकार हो रही है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते में कुछ दर्जन भर पटिशन्स उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वगैरह वगैरह दी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए वो, तो वो ये शोर मचा रहे हैं कि ये इलेक्शन तो शुरू ही धांधली से हुआ है। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं रिकॉल करूं जो चौधरी फवाद की थी, तो उनका तो कहना ये है कि ये तो ऑलरेडी प्लान्ड है। अब जब आप उनके मुंह से ये बात सुनते हैं तो इसमें एक कमज़ोरी का पहलू आपको नज़र आएगा कि क्या वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये इलेक्शन तो हम हार गए लिहाजा आपसे शोर मचाना शुरू कर दें। यही हाल इमरान खान साहब के अपने जलसों में, जहाँ वो अपने बयानिए की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस उनका कंपेन की मैं कहूँगा वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, वो मानने के लिए उनको तैयार नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात है और एक आम आदमी को भी ये समझ आती है कि चूँकि फॉरेन फंडिंग केस वहाँ पड़ा हुआ है और वो अब नतीजे के बहुत करीब है, इसलिए उसको प्रेशराइज करना भी ज़रूरी है।
दूसरी तरफ आप देखिए जी, मैं बस दो जुमले और कह लूँ सिर्फ, तो अगर तो इस इलेक्शन को के माहौल को स्पॉइल करना है, इसमें एलिगेशंस की सियासत करनी है, तो ये माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एज ए लिटमस टेस्ट फॉर बोथ द मेन स्ट्रीम पार्टीज़ कि आप इसको अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बना के इलेक्शन होने दें, एंड लेट अस सी, लेट एवरीबडी सी कि कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल सही काम ने इफ्तिखार साहब, ये जो बुखारी साहब ने बात की, ये हमने पहले जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बाहर थे उन्होंने भी यही नारे लगाए थे कि जी धांधली हुई है, धांधली हो रही है, आज दूसरी साइड से लग रहे हैं। अच्छा सर, तो क्या हम किसी आम जगह पे नहीं खड़े हो सकते? और साथ राणा सनावला ने जो कहा इफ्तिखार साहब कि इनका जनाजा निकल गया पीटीआई का और तदफीन 17 को। सर ये जो फिक्रे बोलते हैं मैं बचपन से सुनता आया हूँ, 70 साल मेरी उम्र है और बड़े बड़े ज़बरदस्त फिक्रे मैंने सुने हैं, इरेलीवेंट हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता। जो चीज़ मेरे लिए शिकत फौरी तौर पे तवज्जो चाहती है वो है कि इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई ने मुतालबा किया कि हमें हल्के से बाहर के जो लोग हैं उनको पोलिंग एजेंट बनाने की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी और सही बात वजह पे नहीं मानी, क्योंकि देखें मैं एक हलके में रहता हूँ, एक यूनियन काउंसिल में रहता हूँ, मैं वोट डालने जाता हूँ और अगर वहाँ पे पोलिंग एजेंट जो है बाहर का है तो वो मुझे शनाख्त नहीं कर सकता कि मैं उस मोहल्ले का जो बुनियादी पर्पज़ है उनका वहाँ बैठने, मैं उस मोहल्ले का उस इलाके का हूँ या नहीं हूँ। शरारत के लिए वहाँ पे एक ऐसा माहौल पैदा करने के लिए उस बूथ में, उस पोलिंग स्टेशन में एक ऐसे अजनबी को ला के बिठा दिया जाए जिसको ये तो इल्म ना हो कि जो ये वोटर अंदर आ रहा है, ये जो वोट डाल रहा है ये कौन है। लेकिन आपने आज लाहौर हाईकोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी है और मेरे लिए लाहौर हाईकोर्ट का ये फैसला हैरान कन है। 1970 से लेके आज तक मैं या तो पोलिंग स्टेशन के मामलात में ख़ुद मुलव्वस रहा हूँ या मैं उस उनके करीब करीब रहा हूँ कि वो कैसे होते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इजाज़त कैसे दी गई है, इसके बहुत खौफनाक नतीजे निकल सकते हैं। हर पोलिंग स्टेशन में झगड़ा हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? ये जो पोलिंग एजेंट होता है इसको इस बात का इख्तियार है कि वो एक वोटर के ऊपर तनकीद करे और उसके ऊपर चैलेंज कर दे कि ये आदमी उस मोहल्ले का नहीं है या ये उस इलाके का नहीं है। तो फिर उस पर एक डिबेट होती है छोटी सी, क्या ये वोट कास्ट कर सकता है? तो वो कहता है जी ठीक है, एक पैसे तय किए जाते हैं कि उस वोट को चैलेंज वोट कहते हैं, वो पैसे जमा करा देता है, उसका वोट जो है एक अलहदा बॉक्स में डाल दिया जाता है और जब काउंटिंग होती है तो फिर वो जो वोट चैलेंज किया होता है उसको अलहदा काउंट किया जाता है। ये बात मेरे बड़े गौर से सुनने वाली है, मुझे समझ नहीं आई कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे कर दिया कि पोलिंग एजेंट किसी भी हल्के से मुकर्रर किए जा सकते हैं। ये प्रॉब्लम पैदा करेगी बात, आप ये भी बात नोट कर लें। दूसरी पटिशन थी उनकी कि काम करवाया जा रहा है तरक्याती स्कीमें, उन्होंने पूछा कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाए, सो ड्रॉप हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ के अगर हालात को ख़राब करना है, इसको मजाक बनाना है तो फिर ये अफसोसनाक होगा। मैं एक डेमोक्रेट हूँ, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, और मैं उस हरकत के भी ख़िलाफ़ हूँ जो मेरे इल्म में आई है कि अगर आप जो है अपने मुखालफीन को पुलिस के ज़रिए रोकना चाहते हैं या उनको इस सारे अमल से बाहर रखना चाहते हैं, वो भी गैर कानूनी होगा। जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ गैर कानूनी है, मैं उस तरह उस अमल के भी ख़िलाफ़ हूँ कि अगर आप किसी पार्टी के एक्टिविस्ट को इसलिए पुलिस के निगरानी में रखना चाहते हैं या पुलिस के बिना पर उसको खौफजदा करना चाहते हैं या उसको इस अमल से बाहर रखना चाहते हैं 48 घंटे के लिए या 72 घंटे के लिए, वो गलत है। अब इससे पहले कि मैं जावेद को मौका दूं बात करने का, ये जो दो लोगों के बारे में सवाल उठा कि इनको आज क्यों कहा गया, सर बात यह है कि रियासत जो है और जो इलाका है, जो मजिस्ट्रेट है, जो ऑफिसर्स हैं, वो किसी को भी पाबंद कर सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम के वो लोग दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए डीआईजी ऑपरेशन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के जो दोस्त हैं मकबूल गुजर उनको और जो साबिक वफाकी वजीर हैं उनको 2 दिन की पाबंदी लगाई है और ये कानून के दायरे में है। ओके अच्छा जावेद, एक आई एम श्योर ये इफ्तिखार भी कंफ्यूज्ड हैं, बुखारी साहब भी हैं, मैं भी हूँ, ये एक्स और वाई कौन है? आई नीड टू नो दिस। ये सवाल आप करते वक्त खुद कंफ्यूज हैं या नहीं है?
मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, ये एक्स वाई कौन है? देखें क्योंकि जेड भी आएगा ना बाद में। देखें इमरान खान ने जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ तो उस नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद उन्होंने एक बयानिया तैयार किया और उस बयानिए का एक पोर्शन या हिस्सा कह लें जिसको वो एक्स वाई और जी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे उसका मकसद ये है इमरान खान ने जो अपनी पॉलिटिक्स और बयानियाँ डेवलप करने की कोशिश की जिसके इर्द गिर्द अवाम को इकट्ठा किया और अवाम में थ्रू सोशल मीडिया और अपनी तकारीर से जो अवेयरनेस दी और ये समझाने की कोशिश की कि ये वो एक्स वाई जी हैं जिन्होंने मुझे निकाला। सो बुनियादी तौर पे अगर आप कल का बाय इलेक्शन है जो कि जनरल इलेक्शन के तौर पे मैं तो इसे कंसीडर इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत का तयन होगा, वो ऐसे तयन होगा कि इमरान खान का जो इंटरनेशनल बयानिया और एंटी इस्टेब्लिश बयानिया और एक्स वाई जी का बयानिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स आपको पता है कि जो आज तक पाकिस्तान में 50 साल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये दूसरी दफ़ा होने जा रहा है कि एमएनए एमपीए के लेवल पे पीजे आपको पता है कि आप जिक्र करते हैं आपका मामला थाने कचहरी पटवार खाने और वो सियासत होती है लोकल, आप कामों की बात करते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेयर एज एक पार्टी ये बात कर रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, सब ने मिलकर मुझे क्यों निकाला, जिसमें एक्स वाई जी का भी जिक्र कर रहे हैं और वो इस चीज के लिए अवाम को तैयार कर रहे हैं। पीजे लास्ट बात जी, वो अवाम को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान ये समझ रहे हैं कि इस वक्त उनकी वेव पॉलिटिकल वेव इतनी ज्यादा है कि वो 20 की 20 सीटें निकाल लेंगे। वो अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी वजह से मैं हारा तो वो हारूंगा मैं इलेक्शन कमीशन की वजह से, एक्स वाई जी की वजह से और ये जो तकरारियां हो रही हैं उनकी वजह से। तो ये वो एक्स वाई जी है। एक सेकंड है कि मुझे एक सेकंड सर, मुझे नहीं पता कि कुछ तकरारियां हो रही हैं, एक और दूसरी बात है एक्स वाई जेड के बारे में मैं अभी ताज़ा तरीन इमरान खान साहब ने कुछ फरमाया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जनरल्स को भी यूटर्न लेना चाहिए, हिटलर और नेपोलियन की फौज रूस में तबाह हो गई, इसको समझना चाहिए कि सर्दियां आ गई थी, फौज वापस बुला लें, वो नहीं माना, आज पाकिस्तान में भी वही लोग हुक्मरान है। सो दिस इज व्हाट ही हैज सेड। ओके, मैं अगर थोड़ी सी वजाहत करना चाहूं तो मैं आपको ले लूं इस ब्रेक के बाद। जी ठीक, ब्रेक के बाद आप इसी पे आप कंटिन्यू रखिएगा। अब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सलीम बुखारी साहब इनका क्या इस पे नैरेटिव है ये सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए, डिबेट्स हो रही हैं, बात हो रही है, ये जमी इलेक्शंस हैं और ऑफकोर्स ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि सलीम बुखारी साहब बात करेंगे क्योंकि अगले सेगमेंट पे हमने इससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो एक इशू पाकिस्तान में खड़ा हो रहा है ये बबल है और ये कब फटेगा बजौर का जो आपने देख लिया जिरका का, तो ये हम बात करेंगे अगले सेगमेंट पर। लेकिन बुखारी साहब इस पर ज़रा आपने रोशन कर। जी मैं इस पर कोशिश करता हूँ सम अप करने की। इसको वो बचपन में हम लोग जब खेला करते थे तो हम में से कोई एक लड़का ये कहा करता था ना मैं खेलूँगा ना मैं खेलने दूँगा। इमरान खान साहब का वही हाल है, ये जो एक्स वाई जी अब कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि 2018 में ये एक्स वाई जी क्या कर रहे थे। इशारा उनका वाज़ तौर पर फ़ौज और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ है और ये जो ट्वीट खान साहब ने पढ़ के सुनाया उसके बाद तो मुझे उनकी अकल का मातम करने को दिल चाह रहा है। ऐसे सूरत हाल में, ऐसी आलमी मंजरनामे में इस तरह से फ़ौज के बारे में इतनी वल्गर, इर्रेस्पॉन्सिबल, डिस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करना मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी को जेब नहीं देता, ना ही अपनी शिकस्त और हार और जीत जो है उसको मुंसलिक करना चाहिए फ़ौज से। आप एहसान फरामोश तो हैं ही, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है, ये आपके बारे में जो फ़ौज है ग्रास रूट लेवल तक, सिपाही तक है फ़ौज में कि जिन्होंने आपको बनाया था उनको आप तबाह करने के दर पे हैं। किसका एजेंडा आप पूरा कर रहे हैं, किसके मिशन पर हैं आप, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे।
यकीनी तौर पर पूछे जाएंगे। अगर कैबिनेट अप्रूव करती है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए तो खान साहब यू आर नो एक्सेप्शन। इफ़ जनरल मुशर्रफ कैन बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6, यू आर नो बडी, यू आर जस्ट ए पॉलिटिशियन। आपको भी ये फेस करना पड़ेगा। और ये मैं आपके मशवरे के लिए कह रहा हूँ, एज ए फ्रेंड तो खैर शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन एक आपके हमदर्द के, कि अपने बयानात का जायज़ा लें। एक एक लफ्ज़ का आपको हिसाब देना है, ये मजाक नहीं है। फौज और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में मुझे एक पैरेलल बता दें कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जहां पर कोई सियासतदान खड़े होके अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अपनी आर्म फोर्सेस की लीडरशिप के बारे में इतनी लूज टॉक करता हो। ये सीखा है आपने 4 साल में कि आपको ये भी नहीं पता कि नेशनल इम्पॉर्टेंस और वाइटलिटी के इश्यूज क्या होते हैं और कहाँ जबान बंद रखना ज़रूरी होता है। आपने अपनी रिसेंट 2 तकरीरों में धमकी दी है कि मैं बताऊँगा कि आप, और वो बातें भी बताऊँगा जो मैंने अब तक नहीं बताई। तो खान साहब, सिर्फ आपके पास बातें नहीं हैं, बातें उनकी भी आपके पास आपकी भी उनके पास बहुत हैं। ना खोल लें ये पंडोरा बॉक्स, बिकॉज देयर विल बी नो एंड। ये आई थिंक ये पंडोरे को अंदर ही रखे, क्यों इफ्तिखार साहब, अगर ये खुल गया तो फिर कहते ना बात बहुत दूर तक जाएगी। नहीं नहीं, देखें बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं तो समझता हूँ हलफ का एहतराम करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी करना चाहिए, जजेस को भी करना चाहिए और ब्यूरोक्रेट को भी करना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूँ ये एक और जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जबरी गुमशुदगियों पर आर्मी चीफ और एएसआई से बात की, उन्होंने काफ़ी लोगों को छोड़ा भी, लेकिन उनको अब ये अगले फिक्रे गौर से सुनेंगे अब सब लोग, लेकिन उनको निज़ाम अदल से तहफ़ुज़ात थे कि इसे अदालत में पेश करें तो साबित कैसे करेंगे वो दहशत गर्द है, इसके खिलाफ गवाह कहाँ से लाएंगे। ये पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर अपनी एजेंसीज के बारे में ख्यालात का इजहार कर रहा है। क्यों जी जावेद साहब, देखिए पीजे, इमरान खान ने जो अपनी लड़ाई का तय्यन किया है, उस लड़ाई में उन्होंने अपने आप को एक साइड पे कर लिया है और पूरे सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। ये उनका इनफरादी फैसला, और मैं समझता हूँ कि इनफरादी तौर पे ही वो अपने तल्लुकात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब किए हुए हैं। वेर एज अगर मैं उनकी पार्टी पॉलिटिक्स को देखूँ तो शायद बहुत से लोग उनकी इस लाइन से एतराज़ भी करेंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले, पाकिस्तान सबसे पहले मुकदम है। हम सियासतदानों को थोड़ा सा, इमरान खान समेत सबको एक बात सोचनी चाहिए कि इंटरनेशनली पाकिस्तान किधर खड़ा है। आज बाजोड़ का जिक्र किया आपने, कल आप देखें कि कराची और हैदराबाद में क्या हुआ। आप देखें एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल अगवा हुआ, ठीक है बात। अच्छा तो करते हैं बात, लेकिन पीजे मैं जो कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शन जो पॉलिटिक्स है, इस सियासत को आप अदारों को मुलव्वस मत करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां आपके इतने दूसरे मसाइल खड़े हैं तो पॉलिटिक्स के मसले आप खुद सॉर्ट आउट करें पॉलिटिक्स के मैदान में, जबकि अगरचे आपने पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग डिक्लेयर की है, तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं हो सकता कि जो सिस्टम आपको कल सपोर्ट कर रहा था आज अगर वो न्यूट्रल है तो आप उसके खिलाफ बगावत खड़ी कर दें या अवाम को मुतनफर करना शुरू कर दें या अवाम की यह सोच डेवलप करना शुरू कर दें कि ये सारे के सारे लोग एंटी पाकिस्तान हैं या आपके मैंडेट के खिलाफ हैं। इमरान खान को यह समझ जाना चाहिए, इस बात का भी एहसास करना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बात उनको भी यकीन रखना चाहिए कि वोट कास्टिंग और चीज है, इलेक्शन डे और चीज है, इलेक्शन डे के फंडामेंटल्स और हैं। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इलेक्शन डे पे ले गए हैं, लेकिन अवाम के मसाइल और हैं। जो अवाम के मसाइल हल करेगा वो समझता है, क्योंकि उसका पेट पहले है, उसका घर पहले है। अगरचे महंगाई मुस्लिम लीग के खिलाफ जा रही है, लेकिन इमरान खान को इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन साथ साथ देखें, हम सियासतदानों को गलतियों पर डालते हैं, सबको गलतियों पर डालते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो आपकी जजमेंट्स आती हैं वो डिलेड जजमेंट्स हैं, और उसके इन द मीन टाइम हर आदमी टेलीविजन पे, मीडिया पे उसकी धज्जियां उड़ा देता है, बिकॉज दे आर कमिंग टू बी द प्रोसिक्यूटर्स, द ज्यूरी, द जज एंड द डिफेंस। तो ये जल्दी से अगर आपको जजमेंट्स आ जाए
तो मैं समझता हूँ कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये जजमेंट उस वक्त तक आ रही है आपके पास कि जब एक क्रूशल मोमेंट आ जाता है। सो वाई डू वी नीड दैट। लेकिन ये ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये बाजौड़ में जो जिरगा ने बात की है और खवातीन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे पैनलिस्ट क्या कहते हैं, लेट्स लिसन टू देम आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू डीएनए। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल बात होती है, होती रहनी चाहिए, और तनकीद और आप कह लो कि जो तामीर की भी होती है और तनकीद तनकीद ये भी होती रहती है। लेकिन जो आपका नेशनल सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट आ जाता है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो इस वक्त हम बेहतर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन आज जो हम मैं समझता हूँ ये वाहिद पैनल है पाकिस्तान के अंदर जिसने बात की थी कि ऐसे लोगों से मत बात करो, रिपरकशंस क्या है। आज वही रिपरकशंस आपके सामने आ गए, बाजौड़ के अंदर क्या हो रहा है, दे स्टॉपिंग द वुमेन, औरतों को कह रहे हैं कि आप सियासी जगहों पे नहीं जा सकती, आप ये नहीं कर सकती, वो कर सकती। तो बुखारी साहब फिर आप बताएं ना, फिर हम यू टर्न वही मारे। अब मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए देता हूँ कि मैं 2 साल रहा हूँ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, तो इस इशू के ऊपर मेरा चूंकि बड़ा कम्प्रीहेंसिव काम है इस पर बात करता हूँ। थोड़ा सा अगर पिछले एक जुमले की इजाज़त आप दे दें, पीटीआई ने जो एक कंपेन शुरू की हुई है, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जी 40,000 वोट जाली ऐड हो गए जी, इतनी अनफाउंडेड बात है ये कि इलेक्शन कमीशन 4 दफ़ा कह चुका है कि ये इलेक्शन पुरानी लिस्टों पर हो रहे हैं। ये सारा सोशल मीडिया के जरिए गंद जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला जा रहा है। मसूफ फरमाते हैं कि 10-10 मेरे टाइगर जो हैं वो खड़े होंगे हर पोलिंग स्टेशन पर, हाउ कैन दे एंटर द पोलिंग स्टेशन प्रेमिसेस, दे कांट, दे ही टॉक्स इन द एयर समवेयर, क्योंकि ये तो इसका मतलब ये है कि वहाँ 10-10 बदमाश हर पार्टी के खड़े और वो आपस में बैठ के लड़ेंगे, वोटिंग छोटिंग वहाँ हो रही नहीं है। anyway, having said that, मैं अब आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए पाकिस्तान का जो टूरिज्म लॉ है ना, जिसको हम टूरिज्म एक्ट कहते हैं, उसका पहला चैप्टर है डूज एंड डोंट्स फॉर द फॉरन टूर्स। अगर आप वो पढ़ लें तो आप हैरान होंगे कि इसके बावजूद भी गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान कैसे आता है। मिसाल के तौर पे उसमें आर्टिकल 1 कहता है कि ये हमारी रवायात कुछ ऐसी हैं कि आप टाइट लिबास पहन के इन इलाकों में नहीं जा सकते, ख़ास तौर से इन 5 वैलीज़ में, आर्टिकल 2, और आप लूज़ लिबास भी नहीं पहन सकते बिकॉज उसमें इंसानी आज़ाद जो है वो एक्सपोज होते हैं। आप बताएं मुझे जनाब, आप साहब बैठे हुए कौन से कपड़े पहने फिर वो। दुनिया भर में जो टूरिस्ट की फ़ी है वो $9 है, इंडिया में हमारी $90 है। हमारे यहाँ टूरिस्ट कैमरा लेके वैलीज में नहीं जा सकता, तो मैं इसकी तफसील लंबी आपको बयान कर सकता हूँ। पहले तो यही अजाब कम नहीं था, ऊपर से अब ये बाजौड़ का जो जिरगा है उन्होंने आखिरी कील ठोंक दी है। मतलब ये कि ना सिर्फ पाकिस्तानी खवातीन सयाह नहीं जा सकती उन इलाकों में, जब वो अपनी खवातीन को रोक रहे हैं तो वो बाहर की को कैसे जाने देंगे। ये हो क्या रहा है, ये हूज एजेंडा इज दिस। एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो अभी तक फ्लरिश कर रही है, इसलिए कि तमाम तरकबाहतों के बावजूद आज भी आप जाके इन वैलीज में देखें, बर्फानी चोटियों के ऊपर देखें, फॉरेन टूरिस्ट इतनी तादाद में आते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। क्या आप उनको भी रोकना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान का जो ये सॉफ्ट इमेज है कि वहां पर पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद सो मच ऑफ डाइवर्स टूरिस्ट अट्रैक्शंस, उनको रोकना चाह रहे हैं कि वो आना यहां बंद कर दें? खुदा के वास्ते मुल्क के ऊपर रहम करें, कौम के ऊपर रहम करें। इफ्तिखार साहब क्या करें फिर, क्या करें हम? ये मैं तो इस रवैये के सख्त मुखालफत करता हूँ। खवातीन को मैं इंसान समझता हूँ जिस तरह मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ, मैं खातून को भी उतने मुकम्मल इंसान समझता हूँ। मैं उसकी उतनी इज्जत करता हूँ जो जितनी इज्जत मैं किसी मर्द की करता हूँ। उसकी अगर ख्वाहिश है कि वो टूरिज्म में जाना चाहती है, वो टूर प्लेसेस पे जाना चाहती है, उसका हक है। नहीं बट कि वो पाकिस्तान की खूबसूरती देखे, इलाकों की खूबसूरती देखे, एज ए पाकिस्तानी। ये क्या है, वो कोई भेड़ बकरियाँ तो नहीं है? और ये जो रवायात के आड़ में भेड़ बकरियों के तौर पर लोगों को ट्रीट करने के रस्म और रवाज है, ये ख़त्म होना चाहिए। अब बहुत हो गया। मुझे अफसोस होती है कि ऐसी बातें जब एक लोग और जो करने वाला है उसका ताल्लुक भी एक सियासी जमात से बताया जा रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं ये समझ जी
सॉरी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने आप एक खातून को कहते हैं कि ना तो वो जा सकती है ना वो मर्द के साथ अपने भी जा सकती है किसी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर, भाई कौन हो तुम? आर यू ह्यूमन बींग्स? अगर मैं एक जुमला ऐड करूं इसमें, दुनिया भर में वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो 90% फैमिलीज जाती हैं, चाहे वो 2 महीने की छुट्टियां हैं, चाहे वो बर्फबारी का सीजन है, चाहे वो हॉट मंथ्स हैं अगस्त और सितंबर के, तो फिर कौन जाएगा टूरिज्म के लिए? इन जिले वालों को ये भी पता नहीं है कि उनका 80% इनकम जो है दैट इज थ्रू टूरिज्म, कैसे सर्वाइव करेंगे वो उसके बगैर? सर नहीं, आप गलत फहमी का शिकार हो गए हैं, असल में वो आपको नहीं रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी खवातीन जो हैं वो सियासी मुकामात पे नहीं जाएंगी, ना मर्दों के साथ जाएंगी, ना वो उनको इजाजत दीजिए, वो ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो जनरल टर्म है, जनरल टर्म में पहला जुमला पढ़े आप, बाजवाड़ में गुरेम जिनका खवातीन के सियासी मुकामात पर जाने पर पाबंदी, अपनी की नहीं बात कर रहे वो। बिल्कुल जावेद, लेकिन फिर आप मुझे बताओ ना, एक मिनट पीजिए एक मिनट ठहरो ठहरो, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी, मैंने जो फिक्र कहे मैं वहीं पे स्टैंड करता हूँ, मैं औरत को मर्द के बराबरी समझता हूँ, उसके बराबरी के हकूक समझता हूँ, मेरा ये ख्याल था इन्होंने कोई स्पेसिफिक फैसला किया है अपने ट्राइबल मामलात को रखते हुए, लेकिन इन्होंने तो हर किस्म की खवातीन को पाबंद कर दिया है, आई एम वेरी सॉरी। बिल्कुल, वो तो जी वो फाटा को भी खैबर पख्तूनख्वा से हटा रहे, और उन्होंने धमकी दी है, जिले इंतजामिया ने ना रोका तो हम रोकेंगे, वेरी गुड। क्यों जावे? पहली बात ये है कि प्रॉब्ली शायद मैं इसको इतना सीरियस इसलिए ना लूं कि ये एक तहसील लेवल का जरगा है जिसने ये एक डिसीजन किया है, और उस फैसले पे उसका डिस्ट्रिक्ट भी उसके साथ नहीं है, पहली चीज। दूसरी बड़े मलकान नहीं आए थे, सही कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला किया है तो उस फैसले की हैसियत मेरे नजदीक या आम पाकिस्तानी के नजदीक कोई हैसियत नहीं है। ये एक इंडिविजुअल का रवैया हो सकता है, एक इंडिविजुअल की सोच हो सकती है, एक सर्टन ग्रुप ऑफ लोगों की सोच हो सकती है, वो अगर अपनी सोच किसी पे मुसल्लत करना चाहते हैं तो वो सोच को कोई मुसल्लत होने नहीं देगा। पाकिस्तान एक आईन और कानून के तहत गवर्न किया जाता है, पाकिस्तान में कोई बनाना रिपब्लिक के कानून नहीं है कि 6 या 4 या 8 या 10 या 15 लोग खड़े होंगे कि आज से ये कानून चलेगा, तो ऐसे कानून को कोई नहीं मानता, इसलिए इसको इतना लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पीछे मैं आ रहा हूं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जहां तक रियासत का ताल्लुक है, रियासत को इस तरह के अनासर जो इस तरह की शर्पसंदी, मैं समझता हूं शर्पसंदी के तरीके के साथ औरतों के हकूक को सलब करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आड़े हाथों लेना चाहिए और इनकी अकल पे मातम करना चाहिए, अगर प्यार से नहीं तो इनको समझाना चाहिए किसी और तरीके से कि अगर आप रियासत के हिस्सेदार हैं या रियासत की फैसिलिटीज इंजॉय करते हैं या रियासत में रहते हैं तो इसके आईन और कानून के दायरे में रहकर आपको अमल करना चाहिए, और ये वही उसी तरह के शर्पसंद लोग हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, टीटीपी वाले लोग, ये वो लोग हैं, ये उस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, इनको आनी हाथों से लेना चाहिए और इनको उधर ही मतलब उनकी सोच को दबाना चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, एक लफ्ज में और खार साहब एक एक लफ्ज कह दे, तो जावेद हाशमी कोई बात करता है लिखता है उसको तो पकड़ के आप बंद कर देते हो, उसको तो आप बिल्कुल ही आउट कर देते हो, तो ये जो कर रहे हैं रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज, हम इस पर क्यों नहीं एक्शन लेते? मैं इसका जवाब दूं एक जुमले में, पहले इसको ट्राइबल एरिया कह के ना और ये समझा जाता था कि ये पाकिस्तानी कानून से बाहर है, अब वो बाकायदा मर्ज हो चुके हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम एरियाज में, और ज्यादा द लॉ ऑफ द लैंड हैज टू टेक कोर्स, उनको बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी की तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान गैर जिम्मेदाराना रवैये के ऊपर पकड़ होनी चाहिए उनकी। बिल्कुल, एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, चलते हैं और हमारे जो आखिरी सेगमेंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग यह है एक डिबेट के फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है एहलकार है ये स्माइल करके लोगों के आगे काम करें, पाकिस्तान में तो मैंने बड़े कम लोग देखे जो स्माइल करके करते हैं, और जो स्माइल करके आपके लिए काम करता है वो गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी, ये जो बाबू बनता है ना खुदा की कसम ये तीनों मुझसे इत्तफाक करेंगे, वो कभी गरीब आदमी के साथ
स्माइल या प्यार से या मोहब्बत से वो बात नहीं है। इस पे और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। वो अंग्रेजी की कहावत है, अ स्माइल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हमारी इतनी तलखियां हैं, आपने खुद ही देख ली हैं। अब बल्कि वो तो पता चला है, वो मरियम नवाज को कोविड हो गया, कैप्टन सफदर को भी हो गया, अल्लाह इनको जल्दी रिकवरी पे लाए। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हम एक दूसरे की तलखियों से कब बाज आएंगे। और जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है वो स्माइल करके बात करे, नहीं करेगा आउट ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों बुखारी साहब, ये हो सकता है इधर? देखिए, बात यह है कि इसको हम इस हद तक लिमिट ना करें। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कि वर्क प्लेस जहाँ पर आप 8 से 10 घंटे गुजारते हैं वो इतनी चार्मिंग होनी चाहिए कि एक आदमी उस माहौल से उकता ना जाए, ऐसे ना फील करे कि वो एक पिंजरे में बैठा हुआ है। असल में अगर आप यूरोप को देखें, और अब तो पाकिस्तान में भी आप देखें, जितने दफ्तरों में लोग काम करते हैं और एक दूसरे की बर्थडेज सेलिब्रेट करते हैं, ट्रिप्स के ऊपर ग्रुप्स में बाहर जाते हैं, दैट इज़ टू ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर फॉर बेटर आउटपुट। सो जो वर्क प्लेस का दफ्तरों का काय इस मेयर ने जो माहौल है दफ्तर का, ऑफिस का, उसको प्लेजेंट बनाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी बात ये लगती होगी, लेकिन इसके अपने अंदर जो कुछ पोशीदा है वो बहुत बड़ा है कि आप अपनी वर्क प्लेस को चार्मिंग बनाएं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से प्यार करें। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट? टू स्माइल एंड स्माइल बैक। बिल्कुल सही कहा। और जितना स्माइल इफ्तिखार करते हैं, यू नो, ऑफ द कैमरा सीरियस होती है स्माइल इनकी। हाँ, सीरियस होती है, बिल्कुल सही कहा। क्यों इफ्तिखार, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि स्माइल के अलावा अपने टेबल पे एक प्लांट भी रखें, कुछ फूल रखें, शेडेड प्लांट्स जो होते हैं, ताकि माहौल में कोई एक खास किस्म की रोमांस पाया जाए। ऐसे तो नहीं कि हर वक्त ही आप टेंशन में रहें। वो पैसे तो आपने जितने कमाने हैं, जो रिश्वत आपने लेनी है और जो आपने हिस्सा लेना है, वो तो तयशुदा मामलात हैं, वो तो उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन किसी से मुस्करा के बात कर लेना, अपने टेबल पे अच्छा सा कोई फूल रख लेना गुलदान में, कोई मनी प्लांट का पौधा रख लेना। वैसे अभी तो कैक्टस के फूल भी बड़े अच्छे आ गए हैं, आई हैव नोटिस इट। तो ऐसी चीज़ें लाएँ ताकि माहौल में कुछ लताफत। हमारे यहाँ ये भी प्रोवर्बियल सेइंग है पीजे, कि डॉक्टर स्माइल्स विद द पेशेंट, वो आधा मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है। बड़ी बात है सर। और इफ्तिखार साहब अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज ये प्रोड्यूसर्स के टेबल्स पे गए थे, वहाँ प्लांट लगे हुए थे। क्यों जावेद, आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, मैं इसको थोड़े से और तरीके से लेता हूँ कि स्माइल का मतलब ये है कि आप माहौल को ठीक करना चाहते हैं और उस शख्स की शख्सियत में निखार पैदा करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उसकी खुश अखलाकी और स्माइल से उसकी फैमिली से लेके उसके जहाँ जहाँ वो जाता है उसका इमेज अच्छा जाए। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि फिलिपीन की आबादी तक 12 मिलियन आबादी है, और उनकी मैक्सिमम जो उस मुल्क की सर्वाइवल है वो रेमिटेंसेस पे है, और रेमिटेंसेस में $32 बिलियन के करीब आता है, और वो जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है दूसरे मुल्कों के अंदर वो सर्विसेज सेक्टर में है, सर्विसेज सेक्टर में। और सर्विसेज सेक्टर में आप उसी वक्त सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप ड्यूटीफुल हों, आपकी अखलाक अच्छे हों, आप इज्जत एहतराम के दायरे में रहते हो, आपका इंटेग्रिटी लेवल हो, आप मुस्कुराते हो, आपको मैनर्स आते हो, जिसकी वजह से पीछे एक सेकंड, जिसकी वजह से इसका पोलाइटनेस देखा तुमने, वो जो मुल्क 32 अरब डॉलर सिर्फ अपनी इखलाकियात के जोर पे कमा रहा है, ये बात नोट करने की है। बुखारी साहब थैंक यू, इफ्तिखार साहब थैंक यू, जावेद थैंक यू वेरी मच। मेरी नज़र में चली ये अच्छी चीज़ है स्माइल। मेरी नज़र में ये जितने भी पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये जो आपके ड्राइवर्स हैं ना, अगर आप इनको कहें कि कानूनी तौर पे गाड़ी चलाओ, तो ये जो नया बच्चा उस गाड़ी में बैठा है ये भी कानून को फॉलो करेगा, और जब ये करेगा आप देखोगे कि आपका माशरा भी ठीक होगा। प्लीज़ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।